कानपुर आउटर के सार थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत का मामला। आरोपी ट्रैक्टर चालक राजू निशा चढ़ा पुलिस के हत्थे, अन्य साथियों की तलाश जारी। एसपी आउटर की गठित पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। राजू की लापरवाही के कारण गई थी 26 लोगों की जान। सार थाना क्षेत्र में हुआ था दर्दनाक सड़क हादसा। 1/10/2022 को सार थाना अंतर्गत भीतरगांव रोड पर जो घटना हुई थी, इसमें 26 बच्चे और महिलाओं की मौत हुई थी। इसका जो मेन अभियुक्त था राजू सनाप सिद्धू निषाद, ये भागा हुआ था उसी दिन से। जो घटना का मेन जिसका रोल था, जिसने शराब पिया था और शराब पीकर के ट्रैक्टर चालक बेतहाशा चलाते हुए ये घटना कारित की थी, उसका मेन अभियुक्त कल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और उसने घटना को एक्सेप्ट किया है कि उसने शराब पी थी। उसके साथी भी है, उनका नाम बताया है, जिनका नाम उसने बताया है, जो पहले से नामित भी हैं। और जिसका ट्रैक्टर प्रयोग हुआ है, जो ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए था, लेकिन उस ट्रैक्टर का इस सवारी ढोने में प्रयोग किया गया, उसका जो मालिक है वो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और साक्ष्य संकलित करके जल्दी विवेचना में चार्जशीट लगा करके और न्यायालय में आरोप प्रेषित किया जाएगा। जल्दी जल्दी में सजा दिलाई जाएगी। सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।